ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। आज 16 दिसंबर 2019 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है देर रात 3:40 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है देर रात 2:47 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 2:47 पर। आज संक्रांत है और सूर्य मूल नक्षत्र में और धनु राशि में प्रवेष कर रहे हैं दोपहर 3:28 पर। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का धनु राशि में प्रवेश आपके लिए आने वाले एक महीने तक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपकी योग्यताएं हैं जो कुछ समय से दबी पड़ी थी, अब उनमें निखार आने का समय आ गया। तकदीर पहले से साथ चल रही है, अब अपने काम और कारोबार को और रफ्तार दी जा सकती है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा देना होगा और कामकाज में जो नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि बड़ी सफलता के द्वार खुल सके। वृषभ राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने मन में अपनों के प्रति दिल को साफ करना होगा। लोग क्या सोचते हैं ऐसा सोचते चले जाने से अपनी मानसिकता भी बिगड़ती है और संबंधों पर भी बुरा असर आता है, इसलिए अब अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? आपका नजरिया कुछ हद तक बेहतर हो रहा है। लोगों की जो आपने आलोचना करने की आदत बना ली थी अब उससे भी आप दूर हटते चले जा रहे हैं। फिर भी तकदीर आपका पूरा साथ निभाए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि सूर्य का धनु राशि में भ्रमण आने वाले एक महीने में आपसे मेहनत करवाएगा और आपको लोगों से भी जोड़ेगा, इसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? कोई प्यार का रिश्ता कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए कोई ऐसा तनाव ना बढ़ाएं जो रिश्तों पर बुरा असर डाले। इस बात को याद रखें कि लोगों की गलती निकालते चले जाने से बात बिगड़ सकती है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी बात की तह तक पहुंचने से ही बात पूरी तरह से समझ में आएगी, नहीं तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी जो हमेशा ही हानिकारक होती है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? खुशियों को अपनों से बांट लिया जाए तो वो दुगनी चौगनी हो जाती है और ऐसी अच्छाई आपके लिए बन रही है जो आपको अपनों से जोड़े, इस प्रयास को लगातार बनाए रखने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता पनप रहा है जिस वजह से आपका झुकाव उस ओर बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर तलाशने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आपकी मेहनत कम होती नजर आ रही है। कामकाज के क्षेत्र में अपनी मेहनत को बनाए रखने की जरूरत है। रिश्तों में खुशियां पाने के साथ साथ कामकाज को भी संभाले रखना होगा। कन्या राशि वालों के लिए अपनों के करीब आने का समय है। हो सकता है किसी यात्रा या बदलाव की वजह से आप अपनों से दूर रहे हों, पर अब ऐसी सुखद परिस्थितियां बन रही हैं जो आपको अपने प्रियजनों के करीब ले आएं। इस अच्छाई को बनाए रखें और जिंदगी की खुशियां सहेज लें। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, पर अपने प्रबल होते हुए विचारों पर संयम बनाए रखने की जरूरत है। किसी पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने से नुकसान ही होता है। तुला राशि वालों के लिए अपनी समृद्धि को अपनों के लिए इस्तेमाल करने का समय आ गया, इसलिए निजी जीवन की खुशियां बढ़ सकती हैं। आपको अपनों का साथ भी मिला रहे तो अपने कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर मिल सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? खुद पर भरोसा भी बनाए रखें और अपनों के प्रति अपनी अच्छाई भी बनाए रखें। जिंदगी की जो छुटपुट चुनौतियां हैं वो भी संभल जाएंगी और मुश्किलों के बादल छट जाएंगे। अपने व्यवहार में मधुरता लाने से अपनों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ बना हुआ है और आपकी अपनी लगन और मेहनत से उस लाभ में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, पर आप पूरी तरह से खुश फिर भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह समय आपको बड़े लाभ की ओर ले जाता हुआ है जिसके चलते परिस्थितियां आपका हर तरह से साथ निभाएं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा विचार बहुत हो सकता है आपके मन में। उस प्रयास में आपके अपने भी आपके साथ हैं जिसके चलते दूर स्थान से जुड़ी संभावनाएं भी प्रबल हो जाएं, पर ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों को फिर भी थामे रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों के साथ है तकदीर हर रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हालात बेहतर हो रहे हैं। मन में बिठाई हुई बहुत सारी ऐसी बातों को हटा देने की जरूरत है जिन्होंने आपको परेशान किया। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? ज्यादा पैसा जुटा लेने से पैसा बिखर भी सकता है, इसलिए अपने कामकाज की स्थिरता पर भी ध्यान देना होगा और पैसे को लेकर भी सही योजना बनानी होगी। ऐसा करने से ही आप अपने भविष्य को स्थिरता दे पाएंगे। मकर राशि वालों की पहले गलतियां रही हैं और अब लोगों की नाराजगियां भी बढ़ सकती हैं, इस वजह से आपके मन में असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की बढ़ती हुई नाराजगियों के भी कई तरह के कारण हो सकते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं और उस दिशा में आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि काम के प्रति आपका समर्पण अब नजर आ रहा है।
जिसमें आपकी योग्यताएं भी बनी रहें। कुंभ राशि वालों को समझना ही पड़ेगा कि लोगों के विचारों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके हित में हैं, क्योंकि अब वही लोग जो पहले आपकी आलोचना कर रहे थे अब आपको नई नज़र से देखना चाह रहे हैं। फिर भी आपके मन में पुरानी बातों को लेकर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? तकदीर को आजमाते चले जाने से फिर भी बचना होगा और किसी बड़े परिवर्तन से पहले पूरी बात को समझने की भी कोशिश करनी होगी। सही और गलत की पहचान तभी उभर कर आएगी जब आप कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा मनन कर लें। मीन राशि वाले समझ लें कि आपका काम या कारोबार अपनी ही धूप छांव की स्थिति बनाए हुए है आपके लिए। कई तरह की मुश्किलें दूर हो रही हैं पर किसी से मतभेद भी उभरता चला जा रहा है। अच्छी भली स्थिति के बावजूद आपकी चुनौतियाँ अभी भी नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? हालात इस रूप से सुधर रहे हैं जो आपकी मेहनत का पूरा फल दे पाए, पर अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी उभर सकती हैं। फिर भी किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से बचना होगा। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।